वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट अम्मी के पिनव्हील सैंडविच बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो पिनव्हील सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चटनी। तो यहाँ देखिए हमारे पास 1 बिग हैंडफुल हरा धनिया है। मेरी ये हरी मिर्च जो है ये एक बड़ी सी थी जो तेज नहीं है, ये डाल देते हैं। अब डिपेंड्स है, आपको तेज खाना हो तो ज्यादा डाल दें और नहीं खाना हो तो कम डाल दें। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1/2 नींबू, बड़ा सा है मेरा, ऑलमोस्ट होगा 1 टेबल स्पून। अब साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून पानी और 2 टेबल स्पून भर के डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास है तो डाल दें, इससे मज़े का लगता है, और अगर ना हो तब आप इसको ज़रा सी थिक बनानी है ना, तब आप इसमें आप वो भी डाल सकते हैं, मूंगफली डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, या फिर वो जो नमकीन सेवैयाँ होती है ना वो भी डालेंगे तो कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी से बन जाएगी। तो चले इसको ग्राइंड करते हैं। चले ये हो गया और इसको अब निकाल लेते हैं। ये हमारी अच्छी सी चटनी बन गई। और अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए चिकन। तो यहाँ मेरे पास बॉइल्ड चिकन है, बॉईल करने के बाद श्रेड कर दी और उसके बाद मेजर किया तो ये भर के 1 कप है। तो इसमें अब हम डालेंगे नमक डाल के, हल्का सा नमक डाल के उबाला था तो हल्का सा नमक और डाल देंगे 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून काली मिर्चें, और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप यानी 8 टेबलस्पून मेयो। इसको मिला लेंगे अच्छे से। चले ये अच्छे से मिक्स हो गया। तो बेसिकली हमारे सैंडविच की सारी चीज़ें रेडी है। यहाँ हमारे पास चिकन सैलेड, यहाँ केचप और यहाँ हरी चटनी। अब हम लेके आते हैं डबल रोटी को और बताते हैं आपको कि करना क्या है। तो इसको अब हम किनारे से काटेंगे। ये अम्मी के सैंडविच इस तरह से हैं कि जब बैक होम जब अम्मी ये बनाती थी तो वो क्या होता था कि डबल रोटी जब बनती है ना वहीं जाके वो लोग ऑर्डर कर दिया करते थे कि डबल रोटी को स्लाइसेस में नहीं काटना है, यूं आड़ा काटना है, पतली पतली, जितनी ये पतली है ना इतनी आड़ी। तो इस तरह से पिनव्हील सैंडविच बन जाते थे और बड़े मज़े के लगते थे। अब यहाँ आने के बाद ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं है, तब ये एक आइडिया जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाली वर्क करती है। तो मैंने सोचा ये कितना अरसा हुआ मैं चाह रही थी आपके साथ शेयर करना और किया नहीं था, तो आज कर लेते हैं। जब डायरेक्टर साहब बिल्कुल बेबी थे ना, जब अम्मी बनाया करती थी और सबको बड़े अच्छे लगते थे। और मज़े की बात ये कि ये गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ठंडे ठंडे खाने के हैं, फ्रिज में रखे हुए हों और खाएँ इतना मज़े का लगेगा, इतना पेट भी भर जाएगा और एकदम सूदिंग, क्योंकि इसमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तेज़ या फिर मुरगन ऐसा तो कुछ है नहीं। अच्छा, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो किनारे निकाल रहे हैं ना उसका टेंशन ना लें, इसके 2-3 तरीके हैं। कुछ लोग तो इसे आटे में गूंद लेते हैं, कुछ लोग इससे ब्रेड पुडिंग बना लेते हैं, और द बेस्ट वे मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा फ्राई पैन में भून के और ग्राइंड कर लें, बड़े अच्छे से ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। और अगर भूनना नहीं है तब भी बन जाएंगे, लेकिन फिर वो क्या फ्रिज में रखने होंगे। चले ये हो गया और अब इसको जिप लॉक बैग में डाल देते हैं।
और हमारे यहाँ तो ये भी बहुत है पता है, जब मैं कुछ ब्रेड क्रम्स वगैरह नहीं बनाती हूँ ना, जब जोई और आना जो है वो डकी को खिलाते हैं, हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे डकीज आ रहे होते हैं तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। अब कटिंग बोर्ड जो है हटा देते हैं, क्योंकि कटिंग बोर्ड जो है वो थोड़ा छोटा पड़ेगा, हमें थोड़ी बड़ी जगह चाहिए। अब क्या करेंगे, एक स्लाइस लेंगे और उसको थोड़ा सा बेलेंगे। बहुत नहीं बेला है, थोड़ा सा बेला है, तो तीन करते हैं पहले। अब क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी हमने बेल लिए, अब ये तीनों को रखेंगे और हम थोड़ा सा हल्का हल्का पानी छीटेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। और अब इनको हम जोड़ेंगे और इस तरह से दबाएंगे, सेम इसको भी इस तरह से करेंगे। स्प्रिंकल करना है, ज़्यादा बिल्कुल वेट नहीं करनी है। और दोबारा इसको बेलेंगे टुगेदर। चल अब इसको हम फिल करते हैं। सबसे पहले डालेंगे चिकन, मैं डालूंगी 1.5 स्लाइस में चिकन डालूंगी। अगर आप चाहें तो आप एक स्लाइस में ये डालें, एक स्लाइस में ये, एक स्लाइस में ये, मैं 1.5 में डालूंगी, जैसे आपकी मर्जी, कम डालें ज़्यादा डालें, आपका जैसा दिल चाहे। चल ये हो गया, अब इसमें हम डालेंगे 1 लेयर चटनी की, इसलिए हमें थोड़ा सा चटनी जो है वो फर्म चाहिए। अब लास्ट हम डालेंगे केचप। अब इसे हमें रोल करना है। अब ये रोल हो गया, अब इसे रोल को बेसिकली हमें इसे टाई करना है। और अब इसको रखेंगे इसमें और इसको टाई कर देंगे अच्छे से, टाइट करेंगे। आसपास से भी मोड़ देंगे। तो चले मैं इसी तरह कंटिन्यू करती हूँ। चले ये लास्ट भी हमारा हो गया। और आप जल्दी है तो 15-20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें, और अदरवाइज़ आधा पौना घंटा एक घंटा फ्रिज में रखेंगे तो सेट हो जाएंगे अच्छे से। तो चले हम इसको 45 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देते हैं। देखिए 45 मिनट्स हो गए, तो चले अब लेकर आते हैं सैंडविच को। समर के लिए बेस्ट सैंडविच है ये। और फिर आप जब खा लें, लेफ्ट ओवर बचे, तब भी आप इसको फ्रिज में ही रखें, कवर करके अच्छे से प्लास्टिक से कर दें या किसी कंटेनर में डाल दें, और जब भी खाना हो एक दो दिन बाद ठंडा ठंडा खाएं, मज़ा आ जाएगा। तो देखा आपने,
कैसे ज़बरदस्त। अब अगर आप चाहें तो ये इस तरह भी रख सकते हैं, चाहें तो इस तरह भी रख सकते हैं। और फिर मज़े की बात ये कि ऐसा नहीं है कि इसको ताज़े ताज़े खाना ज़रूरी है, ये बहुत दिन तक बड़े मज़े के रहेंगे। तो देखा आपने कैसे चटपट ज़बरदस्त से बन गए। लेकिन एक बात बस याद रखिएगा, अगर बहुत जल्दी है तब फ्रीज़र में रख दें, और अगर फ्रिज में रख रहे हैं तब अलग अलग फ्रिज अलग अलग तरह से वर्क करता है। अगर जैसे 45 मिनट्स में मेरा बड़ा अच्छा सा हो गया, अगर आपको लगता है कि ज़रा टाइम लेगा, या कभी फ्रिज बहुत भरा हुआ होता है जब भी ठंडक कम देता है, 1.5 घंटा रख लें, 2 घंटा रखें। मकसद क्या है कि अच्छे से स्लाइस होना ज़रूरी है, जितना अच्छा सेट होगा इतने अच्छे स्लाइस होंगे। और छुरी को भी मैंने देखा ना कितने प्यार से काट रही थी। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। सुपर खतरनाक, कैसी शानदार लेयर है। अब आप पे डिपेंड है, जैसे मैंने 1.5 स्लाइस में चिकन डाली ना, आप चाहें तो 1 में चिकन डाल दें, 1 में ग्रीन चटनी, 1 में टोमेटो केचप डाल दें। योर बॉस, जैसे आपको अच्छा लगता है। और गर्मियों के लिए बेस्ट 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 सैंडविच है। और सबसे बड़ी बात यह कि आगे पीछे बनाए हुए पड़े हुए हों, जब गर्मियाँ शदीद होती हैं ना, दिल नहीं चाहता बनाने को, जब ये आप खाएँगे ना आपको याद आएगा कि मैं कह क्या रही हूँ। ऐसी ठंडक महसूस होगी। चाहें तो अगर आप वो चटनी जो बनाइए ना, उसमें आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं, तब भी अच्छा लगेगा। बाकी गज़ब का है ये आप लोगों के लिए। मज़ा आ गया। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।